कहानी के शुरू में हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जो कागज पर कुछ लिख रही थी, जिसके बाद वो बाहर आती है और सूरज निकलने का इंतजार करती है। जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो जल जाती है। दरअसल ये लड़की वैम्पायर थी जो उस खत में ये लिख रही थी कि वो मरने वाली है। अब कहानी चली जाती है 10 साल पीछे, जिसमें प्लेग जैसी बीमारी जिसकी वजह से लोग इन्फेक्टेड हो गए और वैम्पायर्स में बदलने लगे। वो अपनी भूख मिटाने के लिए सिर्फ इंसानों का खून ही पिया करते थे, इसीलिए अब इंसान भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगे थे। वैम्पायर्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो सूरज की रोशनी से भी दूर रहने लगे, क्योंकि अगर वो सूरज की रोशनी में बाहर निकलते तो वो जलकर मर जाते थे, इसीलिए अब ये रात को ही काम करते थे। अगर इन्होंने दिन में काम करना होता था तो अपनी गाड़ी के अंदर ऐसे शीशे लगवाते थे जिनसे रोशनी अंदर नहीं आ सकती। साइंटिस्ट और माहिर इनका ये मानना था अब सिर्फ दुनिया में 5% लोग ही हैं जो इंसान हैं, बाकी सब वैम्पायर्स बन चुके हैं, जिसकी वजह से वैम्पायर्स 1 महीना ही जिंदा रह सकते थे, क्योंकि इंसान कम थे, इसीलिए इन्हें जिंदा रहने के लिए इंसानों का खून भी नहीं मिल सकता था। अब इस बात का हल निकालने के लिए वहाँ पर सबसे बड़ी कंपनी ने ये सोचा कि वो इंसानों के खून जैसा ही नकली खून बनाएंगे, जिसका जायका और देखने में वो इंसानों के खून जैसा ही होगा। अब इस खून का तजुर्बा करने में डॉक्टर एडवर्ड भी था। इनकी कंपनी खून बनाने के लिए इंसानों को पकड़कर उनका खून निकालकर उन पर तजुर्बे करती थी, ताकि ये बिल्कुल वैसा ही खून बना सकें और वैम्पायर्स को खून मिलता रहे, जिससे वो जिंदा रहेंगे। डॉक्टर एडवर्ड भी एक वैम्पायर ही था, पर वो अपनी ऐसी जिंदगी से तंग आ चुका था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि इंसानों पर जुल्म होते रहें, और इसी वजह से उसने इंसानों का खून पीना भी बंद कर दिया था, सिर्फ जानवरों के खून पर ही जिंदा रहने लगा था। अब उनकी कंपनी की मीटिंग में उन्हें पता चलता है कि खून की कमी की वजह से वैम्पायर्स खतरनाक क्रिएचर्स में बदल रहे हैं, जिनको वो सब साइडर्स भी बुलाते थे। इंसानों का खून ना पीने की वजह से उनके कानों का लंबा होना, सर का आगे से सुकड़ जाना, ये उनकी निशानियाँ थी, जिसके बाद वो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते थे, क्योंकि ये खून के लिए वैम्पायर्स को भी मार सकते थे, इसीलिए ये क्रिएचर्स उनकी सोसाइटी के लिए खतरनाक बन गए थे। एडवर्ड का बॉस उनको हुक्म देता है कि जो तुमने खून बनाया है हमें आज ही किसी वैम्पायर पर टेस्ट करना होगा, पर एडवर्ड कहता है कि वो खून अभी सही तरह तैयार नहीं है, हम किसी भी वैम्पायर पर उसको टेस्ट नहीं कर सकते। अब ना चाहते हुए भी एडवर्ड की टीम एक वैम्पायर पर उस खून को टेस्ट करती है, जिससे वैम्पायर के जिस्म का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो वैम्पायर उधर ही फट जाता है। एडवर्ड का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। अब जब ये रात को घर जा रहा था तो ये तभी शीशे में अपने कान को देखता है जो बड़े होने लगे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसा मीटिंग में क्रिएचर्स के बारे में बताया था। अब ध्यान दूसरी तरफ होने की वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसका तो कुछ नहीं होता, पर दूसरी गाड़ी को बुरी तरह टक्कर लगती है। जब वो उस गाड़ी को देखने जाता है तो उसमें से एक लड़की इस पर तेज से हमला कर देती है, पर एडवर्ड को कुछ नहीं होता। ये देखता है कि उस गाड़ी में सभी इंसान थे। तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आती है जो उन इंसानों को पकड़ना चाहती थी। जैसा कि हमें मालूम है कि ये सारी सोसाइटी वैम्पायर्स की थी, पर एडवर्ड उनको अपनी गाड़ी में छुपा लेता है और पुलिस को गलत रास्ता बताकर वहाँ से भेज देता है। सभी इंसान उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उनकी जान बचाई और वहाँ से चले जाते हैं। अब एडवर्ड जब अपने घर आता है तो उधर उसका छोटा भाई था जो उसकी बर्थडे मनाने आया था। इसका भाई भी दरअसल मिलिट्री में फौजी था जो इंसानों का शिकार करता था और उनको एडवर्ड की कंपनी में भेजता था ताकि उनसे खून हासिल हो सके। एडवर्ड का भाई उसके लिए इंसानी खून की बोतल लेकर आता है, पर एडवर्ड यहाँ पर पीने से मना कर देता है। इसी बात को लेकर उसके भाई के साथ बहस होने लगती है और गुस्से में उसका भाई उस खून की बोतल को दीवार में दे मारता है, पर तभी वहाँ पर खून को सूंघते हुए एक क्रिएचर आ जाता है और खून को दीवार पर से चाटने लगता है। उधर इसका भाई खुद को बचाने के लिए चाकू उठाता है, क्योंकि ये क्रिएचर्स वैम्पायर्स को भी मार सकते थे। अब वो क्रिएचर इन पर हमला कर देता है, लेकिन एडवर्ड का भाई हिम्मत करके उस क्रिएचर को मार देता है। पुलिस जब छानबीन करती है तो उस क्रिएचर के हाथ से एक अंगूठी मिलती है, जिससे पता चलता है कि वो एडवर्ड का माली था। उसके जिस्म पर कुछ निशान भी थे, जिसे देखकर पता चलता है कि खून ना मिलने की वजह से वो अपना ही खून पी रहा था, जिसके 2 हफ्ते के बाद वो क्रिएचर में बदल गया। अब
तब सबके जाने के कुछ देर के बाद एडवर्ड के पास वही लड़की आती है जिसने इस पर तीर से हमला किया था। इस लड़की का नाम ऑर्डरी था। दरअसल इसने एडवर्ड की गाड़ी में उसके कार्ड को चेक किया था जब ये गाड़ी में पुलिस से बचकर छुप रही थी, जिससे इसको पता चला कि एडवर्ड ब्लड का डॉक्टर है और ये इनकी मदद कर सकता है। अब ये इसको एक जगह का पता देकर चली जाती है क्योंकि ऑर्डरी के पास इस बात का हल था कि वो दुनिया में इस फैली हुई बीमारी को ठीक कर सकती थी जिससे सब इंसान वैम्पायर्स बने थे। उधर एडवर्ड का बॉस इसे कहता है कि नकली खून बनाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो अमीर वैम्पायर्स हैं वो असल खून ही चाहते हैं और उसके लिए अच्छी खासी रकम देने को भी तैयार हैं। अब एडवर्ड अपने बॉस की बात को सुनकर ये सोचता है कि इसका मिशन तो ये था कि नकली खून बनाकर इंसानों को बचा सकता, अब इसीलिए ये ऑर्डरी के बताए हुए पते पर चला जाता है। उधर वो इसको एक आदमी से मिलवाती है जो पहले एक वैम्पायर था और अब इंसान बन चुका था। पर तभी उधर एडवर्ड का भाई आ जाता है जो इन दोनों को पकड़ लेता है। दरअसल उस रात जब ये लड़की एडवर्ड के पास आई थी तो इन दोनों की सभी बातें एडवर्ड के भाई ने सुन ली थी। जब ये मिलिट्री के लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं तो दोनों उसको मुक्का मारकर बेहोश कर देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। पर मिलिट्री के लोग ऑर्डरी की गाड़ी पर हमला कर देते हैं। एडवर्ड इनको अपनी गाड़ी में बिठाता है और वहाँ से चला जाता है। अब वो आदमी जो वैम्पायर से इंसान बन गया था एडवर्ड को एक नदी के पास ले जाता है और अपनी कहानी सुनाता है। कहता है कि मैं एक मैकेनिक था, वैम्पायर्स की गाड़ियों के शीशे बदलता था। एक दिन मैं जब अपने सफर पर जा रहा था तो मेरी गाड़ी टकरा गई जिस वजह से गाड़ी से बाहर आकर गिरा। मेरे पूरे जिस्म में आग लग गई और फिर मैं पानी में गिर गया। मुझे बाद में पता चला कि सूरज मुझ पर असर नहीं कर रहा था, मैं एक आम इंसान बन चुका था। अब ये सभी एक जगह पर आते हैं जहां पर और भी इंसान थे। ये जगह दरअसल ऑर्डरी के मॉम डैड की थी जहां पर वो शराब बनाते थे। एडवर्ड उधर उस आदमी का खून टेस्ट करता है कि सूरज की रोशनी में जलने की वजह से उसके खून में क्या तब्दीली आई थी। अब एडवर्ड समझ गया था कि एक सूरज की रोशनी की वजह से ही आम इंसान बन सकता है। उधर दूसरी तरफ कंपनी में खून के ज्यादा जमा न होने की वजह से इंसानों का खून निकालकर उन्हें मारा जा रहा था। खून की सप्लाई भी अब कम हो गई थी, यही वजह थी। जहां कॉफी शॉप पर 20% खून मिलाकर वैम्पायर्स को दिया जाता था अब सिर्फ वो 5% हो गया था, जिससे वैम्पायर्स में गुस्सा बढ़ने लगा था। उनका अब खुद पर से काबू बिल्कुल खत्म हो गया था। अब उधर दूसरी तरफ हम एक गाड़ी में आदमी और लड़की को देखते हैं जो आम इंसान ही थे। वो ऑर्डरी की जगह पर ही जा रहे थे जहां पर वो महफूज रह सकते थे। पर तभी कुछ फौजी इनको रास्ते में पकड़ लेते हैं जो इंसानों का वैम्पायर्स के लिए शिकार करते थे। ऑर्डरी के साथ ही जानते थे कि ये फौजी उनकी जगह को भी ढूंढ सकते हैं, इसीलिए ऑर्डरी वहां से सभी लोगों को किसी और महफूज जगह पर भेज देती है और खुद एडवर्ड के साथ रुक जाती है। और इसमें इसका साथी भी था। ये तीनों मिलकर तजुर्बा करना चाहते थे कि वैम्पायर्स को इंसान कैसे बनाया जा सकता था। अब वहां पर एडवर्ड भी बिल्कुल उस आदमी की तरह ही खुद के साथ करता है। पहले वो अपने ऊपर सूरज की रोशनी लेता है जिससे उसका जिस्म जलने लगा था और फिर खुद पर पानी डलवाता है जिससे अब वो भी आम इंसान बन गया था। उसका ये तजुर्बा कामयाब हो जाता है। अब इधर वो फौजी भी इनको ढूंढते हुए आ गए थे। वो एडवर्ड और उसके साथियों को नहीं ढूंढ पाते क्योंकि वो पानी वाले टैंक में छुपे थे। इन्हीं फौजियों में एडवर्ड का भाई भी था। उसको वहाँ पर एक लड़की मिलती है जो कोई और नहीं बल्कि एडवर्ड के बॉस की बेटी थी जो अपने डैड को छोड़ कर आई थी क्योंकि वो सादा इंसान की तरह जिंदगी गुजारना चाहती थी, वैम्पायर नहीं बनना चाहती थी। मगर अब एडवर्ड के बॉस ने उसके भाई को हुक्म दिया था कि वो उनकी बेटी को काट कर वैम्पायर में बदल दे ताकि उनकी बेटी उनके साथ ही रह सके और अमर हो जाए। इसीलिए अब एडवर्ड का भाई उस लड़की को काट कर वैम्पायर बना देता है। पर अभी भी वो लड़की इंसानों का खून पीने के लिए तैयार नहीं थी और खुद ही के जिस्म से खून पीने लगती है। उधर शहर में खून की सप्लाई बंद होने की वजह से सब वैम्पायर्स क्रिएचर में बदलने लगे थे और शहर में एक हलचल मच जाती है। अब वहाँ पर आर्मी को ये हुक्म दिया जाता है कि इन क्रिएचर्स को पकड़ कर मार दें क्योंकि ये उनके लिए खतरा भी हो सकता था। सभी क्रिएचर्स को पकड़ कर सूरज की रोशनी से जला दिया जाता है।
इन्हीं क्रिएचर्स में एडवर्ड के बॉस की बेटी भी थी, जिसको एडवर्ड के भाई ने काट कर वैम्पायर बना दिया था। उसका ये हाल देखकर अब उसे शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि उसने उसके साथ अच्छा नहीं किया था। उधर दूसरी तरफ एडवर्ड ऑर्डरी के साथ उस जगह पर जाता है जहाँ इन्होंने अपने लोगों को भेजा था। उधर वो बेचारे पहले ही वैम्पायर का शिकार हो चुके थे। अब एडवर्ड अपने भरोसेमंद आदमी को फोन करता है जो इसी के साथ काम करता था। जब एडवर्ड उसके पास जाता है तो वो उसे जब इंसान बना देखता है तो हैरान हो जाता है। पर तभी उधर मिलिट्री की आर्मी आकर ऑर्डरी पर हमला करके उसे अपने साथ ले जाती है। इनको उस आदमी ने ही बुलाया था क्योंकि इसने नकली खून बनाने की खोज कर ली थी और ये नहीं चाहता था कि इस बात का अवार्ड किसी और को मिले, यानी कि इसने भी एडवर्ड को धोखा दिया था। एडवर्ड और ऑर्डरी का साथी यहाँ से भाग जाते हैं, गैराज में जाकर छुप जाते हैं। पर इनका पीछा करते हुए एडवर्ड का भाई आ जाता है। पहले तो ये दोनों उसको मारने वाले थे, पर जब वो इन्हें कहता है कि वो इनका साथ देने आया है तो ये दोनों थोड़ा सुकून में आते हैं। पर तभी वहाँ पर एडवर्ड का भाई, जो खून ना मिलने की वजह से भूखा था, वो ऑर्डरी के साथी का खून पीने लगता है। एडवर्ड जब तीर मारकर उसे मारने की कोशिश करता है तो ये देखता है कि इसका भाई भी आम इंसान बन चुका था। यहाँ पर एडवर्ड समझ आता है कि जो वैम्पायर से इंसान बने थे उनका खून ही अब जो वैम्पायर्स हैं उनको इंसान बना सकते हैं। अब ये खुद को अपने बॉस के हवाले कर देता है क्योंकि ये ऑर्डरी को बचाना चाहता था, और जाकर कहता है कि मुझे माफ कर दें और मैं दोबारा से वैम्पायर बनना चाहता हूँ। अब जैसे ही इसका बॉस एडवर्ड का खून पीने लगता है वो भी इंसान बन जाता है, जिसके बाद ये इसे मिलिट्री के लोगों के पास छोड़ देता है। वो उसको अपना शिकार बनाकर उसका खून पीने लगते हैं, जिसके बाद वो भी आम इंसान में बदल जाते हैं। अब एडवर्ड ऑर्डरी को वहाँ से बचा कर ले जा रहा था, तभी उधर कुछ फौजी उनका रास्ता रोक लेते हैं। उन्हें बचाने के लिए अब एडवर्ड का भाई आगे आता है। सभी फौजी उस पर हमला करके उसका खून पीने लगते हैं और आम इंसान बन जाते हैं। लेकिन वहाँ पर वो आदमी आकर जिसने एडवर्ड को धोखा दिया था उन सब फौजियों को मार देता है जो आम इंसान बन चुके थे, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि सोसाइटी में इंसान हो, क्योंकि इसका नकली खून बनाने का तजुर्बा कामयाब हो गया था जिससे ये बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था। अब ये एडवर्ड और ऑर्डरी को भी मारने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर ऑर्डरी का साथी इस पर तीर से हमला करता है और इसे मार देता है। मूवी के आखिर में एडवर्ड, ऑर्डरी और उसका साथी तीनों इसी मिशन पर निकल जाते हैं कि वो सभी वैम्पायर्स को बदल कर आम इंसान की तरह बना देंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।